तो गाइज आई एम बैक विथ मी वाई 12 ग्लोबल स्टेबल लॉन्ग फॉर रेडमी वाई 2। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रेडमी वाई 2 या फिर रेडमी एस 2 डिवाइस को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। और अगर मैं आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ तो मुझे यहाँ पर मी वाई 12 की अपडेट देखने को मिल गई, यानी मैंने अपने फोन में यहाँ पर मी वाई 12 की अपडेट को इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने शाओमी के डिवाइस में, रेडमी वाई 2 के डिवाइस में, इसके ऊपर आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो अगर आप लोग अपने फोन में सबसे पहले अर्ली अपडेट्स मी वाई 12 की करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग वो वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना। अगर आप लोग मेरी तरह अपने फोन में भी सबसे पहले मी वाई 12 की अपडेट को यूज करना चाहते हैं। और दोस्तों मी वाई 12 की अपडेट के संग में हमारे फोन में बहुत से नए नए फीचर देखने को मिले, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो यह डिवाइस हमारा रेडमी वाई 2 देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप लोगों को रेडमी वाई 2 देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफी अच्छी तरीके से काम करता है। और फिंगरप्रिंट वगैरह की दोस्तों बात कर लेते हैं तो वो भी काफी अच्छी तरीके से हमारे फोन में काम करता है। फीचर्स वगैरह की दोस्तों बात कर लेते हैं तो वो सब कुछ हमारे फोन में देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोग मी वाई 12 की जो कंट्रोल सेंटर उसे यूज नहीं करना चाहते हैं, जो आप लोगों को मी वाई 12 की कंट्रोल सेंटर यहाँ पर देखने को मिलता है, जो आईओएस की जो कंट्रोल सेंटर, जो एप्पल फोन में कंट्रोल सेंटर देखने को मिलती है, कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर हमारे इस डिवाइस में देखने को मिल जाता है मी वाई 12 के अपडेट के बाद से। अगर आप लोग इस मी वाई 12 वाली कंट्रोल सेंटर को यूज नहीं करना चाहते हैं, यूज न्यू कंट्रोल सेंटर को नहीं करना चाहते, तो आप लोग इसे सिंपली यहां से डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने के बाद आपके फोन से यहां से जो न्यू कंट्रोल सेंटर वो डिसेबल हो जाता है। और दोस्तों अगर मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं तो आप लोग यहां पर डाटा यूजेस की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। यहां पर आप लोग को मोबाइल डाटा, स्टेप्स और हेल्थ वगैरह का भी सपोर्ट यहां पर देखने को मिल जाती है, जिसे आप लोग सेलेक्ट करके बाय डिफॉल्ट आप लोग को यहां पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ इस फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग इस रोम की, इस ग्लोबल स्टेबल रोम की डाउनलोड लिंक चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ड्रॉप जरूर करना, और इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक जरूर करना। अगर आप लोग इस वीडियो में 100 लाइक्स कर देंगे दोस्तों तो मैं आप लोगों को इसका डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो आप लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी थीम्स को भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं, यानी एमपीजेड फाइल वगैरह को आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग थीम स्टोर पर जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, इम्पोर्ट करेंगे, और जहां भी आप लोगों ने एमपीजेड फाइल को सेव किया उसे यहाँ पर चूज करके आप लोग यहाँ से ओके कर देंगे तो आपके फोन में वहां पर वो इम्पोर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ये वाली थीम यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया है। आप लोग इसे यहाँ इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस थीम को अप्लाई करेंगे तो आप जो ये कंट्रोल सेंटर देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। सेटिंग वगैरह मेन्यू में जाएंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। और होम स्क्रीन की बात करते हैं, आइकन पैक की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये मी वाई 12 सपोर्ट थीम देखने को मिल जाता है, जो हमारे डिवाइस में काफी अच्छी तरीके से काम करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को गूगल सर्विस या प्ले स्टोर की बात कर लेते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है। और कोई भी आप लोग को चाइनीज ब्लॉटवेयर, चाइनीज सॉफ्टवेयर या फालतू की एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप लोगों को यहाँ पर यूआई देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और फीचर्स की बात कर लेते हैं तो वो हमें देखने को मिली है गैलरी एप्लीकेशन की। तो आप लोगों को ये वाली अपडेट देखने को मिल जाती है, मी वाई 12 सिस्टम एप्लीकेशन की अपडेट देखने को मिल जाती है। और दोस्तों बात कर रहे थे कि इस जो सिस्टम एप्लीकेशन की गैलरी वाली अपडेट जो देखने को मिली है हमें, अगर मैं आप लोगों को गैलरी वाली एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ और आप लोग किसी फोटोज वगैरह को अगर आप लोग यहाँ पर एडिट करेंगे तो स्काई मोड की एक ऑप्शन देखने को मिलती है, एक फिल्टर देखने को मिलती है। इस स्काई मोड में, इस स्काई फिल्टर में देख सकते हैं आप लोगों को काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कोल इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाती है। डिटेल रिव्यू अवेलेबल है, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोग कोई ऐसी फोटोज को ओपन करते हैं जिसमें आप लोग को टेक्स्ट वगैरह लिखा आता है दोस्तों, उस टेक्स्ट को आप लोग ओसीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ तो आप लोग इस फोटोज को ओपन करके मोड में जाएंगे तो आपको देख सकते हैं आप एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर रिकॉग्नाइज टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग टैप करेंगे तो आपके फोन में, आपके इस फोन की फोटो में कुछ भी लिखा होगा दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिखा आ रहा है वो आपको टेक्स्ट में देखने को मिल जाता है। तो ओसीआर की सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सेटिंग में लेकर यहाँ पर दिखा देता हूँ, माई डिवाइस में जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पर मी वाई 12 जो ग्लोबल स्टेबल रोम है 12.0.4.0 की अपडेट देखने को मिल जाती है। और मैं इसे ग्लोबल स्टेबल रोम इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये Xiaomi .eu रोम है। Xiaomi .eu रोम में क्या होता है, आपको सभी गूगल की सर्विसेज देखने को मिलती है, कोई भी चाइनीज ब्रॉडवेयर या फिर चाइनीज के फालतू की एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल आप लोगों को सेम यूआई उसी तरह देखने को मिलती है जिस तरह से आप लोगों को ग्लोबल रोम में देखने को मिलता है। तो इस वजह से दोस्तों मैं इस Xiaomi .eu रोम को ग्लोबल रोम बोलता हूँ। और आप लोग बीटा रोम को यूज करते हैं तो मैं उसे बीटा रोम की तरह ट्रीट करता हूँ, अगर आप लोग स्टेबल रोम यूज करते हैं Xiaomi .eu की तो मैं इसे ग्लोबल स्टेबल रोम की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर आप लोग भी अपने फोन में बिल्कुल नीट एंड क्लीन यूआई चाहते हैं, फर्स्ट क्लास फीचर चाहते हैं, डाटा यूजर्स को चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग Xiaomi .eu रोम को यूज कर सकते हैं, चाहे Xiaomi .eu रोम
चाइनीज रोम की ही पोर्ट होती है, लेकिन इसमें कोई भी चाइनीज की ब्लॉटवेयर या फिर एप्लीकेशन वगैरह देखने को नहीं मिलती है, कोई भी फालतू की एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती। जो भी एप्लीकेशन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आपके फोन में काफी अच्छे तरीके से काम करता है। सेटिंग में जाकर अगर आप बैटरी परफॉर्मेंस में जाएंगे तो वहां पे आप लोग क्वालिटी बैटरी सेवर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो खैर दोस्तों, फीचर्स के बारे में आप लोग बता दूं तो मैं सब कुछ आप लोग को वहां पर अपने उस पुराने वाले वीडियो में दे चुका हूँ। फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं आप लोग उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, और डाउनलोड लिंक के बारे में चाहते हैं दोस्तों, अगर डाउनलोड लिंक चाहते हैं तो कमेंट करना, और वीडियो को कम से कम 100 लाइक जरूर करना।